हाँ जी बोलो बोलो प्राजक्ता, क्या कह रहे हो? पापा जी, हम अपने समझ से ऐसी क्या कीमत दे दे कॉस्मिक को कि पूरी लाइफ ही सेट हो जाए। ओके, कीमत क्या दे कॉस्मोस को कि लाइफ सेट हो जाए? ओके, ये पेंडिंग रखते हुए करते हैं बात। आपका क्या प्रश्न है जी? ये बात मैं बोलूं कि लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस कहाँ तक हो, कितने लेवल तक हम एक्सेप्ट कर लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस क्या हो, लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस। वेरी गुड आइडिया। और ये एक्सेप्टेंस लाए कहाँ से, इसको कैसे क्रिएट करें, लाए कहाँ से? ये भी कॉस्मोस से लेंगे हम, लाए कहाँ से? जो बच्चे बोनी बिलियंस जैसे मिलीनरी और बिलियनरी हो रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए कि वो लेवल उनका सेट रहे? अमीर बच्चा क्या करे जो अमीर ही रहे? अमीर बच्चा करे तो क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें से एक का भी आंसर मुझे नहीं पता, इसको पेंडिंग रखते हैं। गुमराह करने पहले हम बात करेंगे डर से ताकत, फिर इस पर आएंगे वापस। डर से हम ताकत कहां से लें? अब डर तो डर है, पर डर एक बहुत ताकतवर चीज है। आपने क्वेश्चन आया था पीछे से, यूक्रेन पे कब हमला? यूक्रेन पे कब हमला होगा? अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, करवाते हैं। इन्होंने एक और क्वेश्चन ऐड किया, मेल एनर्जी की कॉस्मिक करेक्शन। मेल एनर्जी की कॉस्मिक करेक्शन, जैसे वो डॉग रिलेटेड कोई क्वेरी थी तो कुछ नहीं, गले पे फंदा, बोल बोल के अटैक। मेल एनर्जी कॉस्मिक करेक्शन, ये इसी में क्लियर हो जाएगा, इसी ऊपर वाले में हो जाएगा क्लियर, नॉट अ बिग डील। पहले हम लेके ले लें डर से शक्ति। हमें ये समझना है कि हमारे पास डर एक कितनी ताकतवर चीज है। हम डर के मारे भगवान की पूजा करते हैं, वैष्णो माता के दसियों किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं। डर के मारे हम शेर से भी लड़ना पड़े लड़ जाते हैं, शेर के आगे से भागना हो शेर से भी तेज भाग जाते हैं। डर में बहुत ताकत है। ये डर हमारी ताकत भी बन सकता है और ये डर हमारी हार भी बन सकता है। अब इस डर को सेट करें कैसे? हमारे पास जो ताकत है सारी सबसे बड़ी, जो हमारे शरीर के अंदर आरबीसी बनाने की ताकत है, हमारी बोन्स में हमारा जो ये एरिया पेल्विक एरिया सबसे स्ट्रांग एरिया है, जो शरीर को सपोर्ट करता है, इसी के नीचे सेवा के हमें चलाते भी हैं, तो ये बहुत ताकतवर एरिया है। यहीं की ताकत के दम पर माँ गर्भ में बच्चे को संभालती है, 9 महीने जन्म देती है। ये ताकत का एरिया है, ये है मूलाधार। मूलाधार में मुन्ना रहता है, मूलाधार में भाग्य रहता है। भाग्य कॉस्मोस है, कॉस्मिक करेक्शन की शक्ति है। मूलाधार मुन्ना का स्थान, मुन्ना मन, मन जो मुन्ना लोक से ये बता रहा है कि पिछले जन्म में तुमने 40 साल की एज में ये किया था, तो 40 साल की एज पे 1 जनवरी मैं तुम्हें सुबह सुबह एक थॉट दूंगा, 5 जनवरी को सुबह सुबह ये थॉट दूंगा, 8 जनवरी को इस आदमी से मिलवाऊंगा, 15 तारीख को तुम्हारा एक्सीडेंट कराऊंगा, 25 को तुम्हारे पास धन दिलवाऊंगा। ये ऊपर से लिखा ये आते हैं, वही विचार आते हैं सुबह, पता नहीं कहां से आते हैं। अब जब विचार ऊपर से आते हैं तो ये ऊपर से आते हैं, ये हमारा ऊपर का सहस्रारा चक्र हो गया, और यहां से नीचे हमारी एक सीधी लकीर जाती है सुषुम्ना नाड़ी, और यहां हमारे चलती है अलग एक नाड़ी, और एक चलती है हमारी इधर से इधर, तो एक हो गई हमारी इदा और एक हो गई हमारी पिंगला, दो नाड़ियां हैं, बीच में हमारी है सुषुम्ना, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। एक हमारी नाड़ी कहती है नहीं 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 करना है, एक कहती है हाँ 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 करना है। ये इदा पिंगला क्या है? ये दो हमारे सिस्टम्स हैं, ये पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। एक नर्वस सिस्टम हमारा ऐसा है जो आंख को यूं खोलता है, और दूसरा है जो बंद कराता है, रिलैक्स, फिर खोलता है बंद कराता है, दिल को ऐसे धड़काता है आगे पीछे आगे पीछे। ब्लैडर को हमारे काम कराता है, ब्लैडर रिलीज करता है, यूरिन पास होता है, ब्लैडर रोकता है, यूरिन अभी नहीं पास करना। मल को एकत्र करता है, मल को संभालता है, मल को त्याग देता है, रिलैक्स। ये हमारे शरीर में दोनों काम करते हैं, एक चलता है हमारे यहाँ रिलैक्स, ये रिलैक्स करने वाला सिस्टम है और डाइजेस्ट करने वाला सिस्टम है। ये हमारा फाइट और फ्लाइट मोड है, ये भाग जाओ या लड़ो। तो मुन्ना क्या करता है? मुन्ना हमारा ये हिस्सा इग्नाइट करता है, खटाच 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 खटाच, डरो भागो लड़ो मरो क्या करना है, और उसी टाइम बॉडी का ऑटो करेक्शन सिस्टम, कॉस्मोस ने प्रकृति ने करेक्शन दी हुई है हमें, वो कहते हैं डर गए आगे खुल गई अब रिलैक्स करो बंद करो, आए तो मैं लग गई अब सो जाओ रेस्ट करो। आपके शरीर में हर चीज मलमूत्र भी ऐसे ही जाता है फेजेस में, रिलैक्स रिलीज रिलैक्स रिलीज, ऐसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन आईज का चलता है, डायलेटिंग ऑफ पीपल्स, कान का गले का, हर चीज में दोनों चलते हैं। तो एक बार ये ऑन होता है, 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 शरीर का वो यंत्र काम करता है। यहाँ लॉक लग जाता है पेट में भोजन आते ही,
उसके बाद बड़े मजे में डाइजेशन होता है। अगर आप डरे हुए तो लॉक नहीं लग पाता, ये ऑन नहीं हो पाता, ये ऑन हो जाता है, खाना पचता ही नहीं रिलीज एकदम से। तो कॉस्मोस, ईश्वर, भगवान, हमारा शरीर क्या कहता है, दोनों चलाने सही तरीके से यार, ठीक हो गया, आपको काम भी हो रहा है और उसके बाद नींद भी आनी चाहिए। यंग एज के बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, छोटा बच्चा कहता है हाय कोई मुझे हाथ पकड़ा दो, बुजुर्ग का कहता है अरे मेरा कोई हाथ पकड़ लो, छोटा बच्चा क्या कहता है अरे पापा मम्मी मेरे से बात मत करो, मेरा दिमाग मत खाओ, मेरा टाइम मत खराब करो, बुजुर्ग क्या बोलता है अरे कोई तो बात कर लो, छोटा बच्चा कहता है कहीं छा जाओ यार, लोगों की दिल की धड़कन रुक जाए, बुजुर्ग कहता है भाई ये धड़कन चलती रहे, छोटा कहता है यार कौन थे साला सुबह नींद ही नहीं खुलती, बुजुर्ग कहता है अरे भाई उठना छोड़ो यार नींद आ जाए बड़ी गनीमत है। एक में ये सिस्टम पावरफुल चल रहा है, दूसरे में वो सिस्टम पावरफुल चल रहा है, ये दोनों जब तालमेल में चलते हैं वो जवानी का फेज है। फर्स्ट क्लास चुस्त है, फर्स्ट क्लास नींद है, फर्स्ट क्लास लक्कड़ अजम पत्थर अजम, अब ये जवानी बरकरार कैसे रहेगी 80 साल में जब ये दोनों सिस्टम एंड टंच काम कर रहे हैं। यानी डरने के टाइम आप डर भी जाते हो और रिलैक्स होने के टाइम रिलैक्स भी हो जाते हो, आप सिर्फ डरे हुए हो, ये सिस्टम फ्यूज ऑफ हो जाता है और डरे हुए में बॉडी की एक एक ही नाड़ी इधर नाड़ी काम करती रहती है और आप डर डर के अपनी ऐसी की तैसी फेरते हो। मैंने उल्टे लिख दिए इधर पिंजला, तो कोई बात नहीं, मतलब सर रिलैक्स डाइजेस्ट कंटिन्यूअसली रहना भी बेकार है। नहीं, आप रिलैक्स 24 घंटे पड़े रहोगे, धीरे धीरे मोड ही खत्म, आप काम कैसे करोगे धेला। तो कृष्ण ने कालेवान को मारने के टाइम पे फ्लाइट मोड जो अपनाया था तो वो ये वाला ऑन किया था उन्होंने, फाइट फ्लाइट भी ऑन रखते थे वो और फिर रिलैक्साइजेशन भी ऑन रखते थे। कृष्ण के दोनों ही ऑन थे, अभी मैं पहुंच रहे हैं, कृष्ण के दोनों ऑफ थे, बीच वाला काम कर रहा था, अभी पहुंचाते हैं। अब क्या हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर ऊपर से विचार आया कि छटाक से यहां आता है और विचार आके सीधा सबसे पहले जाता है कुंजी में, कुंडलिनी में, कोश में, यहाँ कोश में जाता है और यहाँ पर खंगालता है, ये बरीड है, दबा हुआ है, ढका हुआ है, अंदर है, इसको खंगालता है। कौन सा कर्म भाई, खेलने का है, कूदने का है, 20 विचार आए सुबह से, कोई एक विचार हिंट करता है, क्योंकि संचित कर्मों में हमारा एक विचार है उस दिन जो ऑन होना है, हम सारे लेकर पैदा हुए उस दिन ऑन हो गया, यार आज ना जिम चलते हैं अपन, आज यार उससे पैसे लेने जाता हूं, आज यार वो पैसा लेने आ रहा है मैं भाग जाऊं, कोई ना कोई। और यहां से उठ के क्या होता है, ये विचार यहां से ठक से उठता है, इसमें से निकलता है और वृक्ष बनने के लिए सबसे पहले नाभि भी टकराता है। आपको कोई भी फीलिंग आती है तो या तो नाभि हंसती है खुशी हो रही है, नाभि हिल रही है, या डर रहे मर गए कहां जाए यार कैसे करेंगे भाई, नाभि सिकुड़ गई, तो हमारा सारा एक्शन कहां हो रहा है 4% पे, ये अटैक हुआ हमारा या फिर मजा आया। यहां आते ही डर का, घबराहट का, मुन्ना का वो खास एक तार वापस ट्रेवल करती है नीचे और यहाँ वृक्ष बनाने में लग जाती है, चिज्जी बनाने में। चिज्जी क्या है, एक्सीडेंट भी एक हो सकता है आपके अपने सोचने से, आप प्रेम भी कर सकते हैं अपने सोचने से, बिल्डिंग भी बना सकते हैं अपने सोचने से। अब क्या होता है, यहाँ की एक नाड़ी यूं गई, यहाँ की नाड़ी यूं गई, यूं गई, यूं गई, यहीं पर आप फंस गए, कैसे होगा, क्या होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो आप षडविकार के दोनों केंद्र हैं, यहाँ फंसे पड़े हो, आप मरे पड़े हो, यहाँ दोनों नाड़ियों में फाइट हो रही है, करना है नहीं करना है, कैसे करेंगे नहीं करेंगे, हो पाएगा भगवान करेगा, ये नाड़ी यहाँ पर कनेक्शन तोड़ देती है, आपकी ऊर्जा यहीं संग्रहित होकर रह जाती है। जब आप इसको छोड़ देते हैं कि यहां से छोड़ो से आपका मामा जी कर लेंगे, मेरे मामा जी बैंक में लगे हुए वो अरेंज करा देंगे, आपके यहां से पावर पुनः ऊपर की ओर प्रवाहित हो जाती है। तो नाभि से कनेक्शन का जो क्वेश्चन था सर वो आ रहा है भाई, तो क्या होता है यहां से ऊपर की ओर ट्रेवल करती है, तो शरीर के ये अंग ठीक रहते हैं, फिर और ऊपर ट्रेवल करते हैं, ये अंग ठीक रहते हैं और ऊपर ट्रेवल करती है। जहां पर आपका हां और ना का फैसला नहीं हो पाता, डबल माइंडेड लोग, कंफ्यूज्ड लोग, परेशान लोग, क्लेश में लोग, उनके शरीर में सुषुम्ना नाड़ी उससे ऊपर एक्टिव नहीं होती। सुषुम्ना एक्टिव का मतलब ईश्वर कहता है मैं करके दूंगा, कॉस्मोस अपने आप करके दे देता है उन्हें, भगवान पता नहीं कहां से करके दे देता है। तो आपके पास जॉब के लिए जाना है, डीलिंग के लिए जाना है, पत्नी से बात करने जाना है, बच्चों के एडमिशन के लिए जाना है, कहीं कोई काम के लिए जाना है, तो आपको अचानक सबसे पहला थॉट क्या आएगा, पता नहीं साला होगा नहीं होगा, मन प्रोग्राम्ड है डराने के लिए, पहले खराब हो जाएगा यार, जानता तो किसी को है नहीं, फीस कहां से देगा, कौन फुसो सुनेगा तेरी यार, जानकार है नहीं, कंपटीशन इतना टफ है 36। तो आपको सबसे पहले डर लेना है, डरे आप, घबराए, डरे आप, क्लेश में आए, लोभ में आ गए, मोह में आ गए, ईर्ष्या में आ गए, आपको अलाउड है, आपका सबसे पहले क्लेश हो गया, आपके मन में यहां से विचार आया, एंटर किया, आप डरे हो, घबरा रहे हो, आप सोच रहे क्या है साला, क्या नहीं है यार, होएगा नहीं होएगा, पैसे मिल जाए तो अच्छा था, शादी हो जाए यार, ये पसंद करते हैं, ये वाली नौकरी तो मिली जाए, ओके हो गया, आप बढ़िया से खूब डरे भरे,
अब जो आप सोच चुके हो वो करने के लिए यहीं की नाड़ियां ब्लॉक हो जाएंगी। अब आपने क्या सोचना है, ये अभ्यास से होगा, ये अभ्यास से होगा। आपको सीधा सोचना है, ठीक है यार कोई बात नहीं, डर लिए, आपको ज्ञान है, आप डरे हो, घबराए हो, आप में लोभ आया, इट्स ओके, मुझे मकान चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, इट्स ओके, कोई बात नहीं, देखा जाएगा यार, करते हैं यार, देखा जाएगा। आप ना टोक रहे हैं, ना रोक रहे हैं किसी को, ना लड़ रहे हैं, ना प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, सबसे जरूरी, डरा हुआ इंसान प्रार्थना करता है, मैंने छोड़ दिया, इमीडिएटली सुषुम्ना एक्टिवेट होगी और ऊपर की ओर ऊर्जा जाएगी, ऊपर वाला काम पे लग जाएगा और आपके शरीर के यह अंग सुरक्षित रहेंगे। अक्सर पेपर देने वाले दिन बच्चों के पेट खराब होते हैं, एग्जाम देने के दौरान, इंटरव्यू देने के दौरान ऐसा प्रेशर पड़ता है ब्लैडर पे कि सुषु आ रहा है, अब इंटरव्यू दे रहे जाए कैसे, उठे कैसे, क्योंकि यहां पर ऊर्जा फंस गई है। तो आपको डरना अलाउड है, हाय हमें डरना लगे, नो, डरना अलाउड है, आपको क्लेश अलाउड है, उसके पश्चात यहीं से मुन्ना की ऊर्जा को नीचे नहीं जाने देना, ये ऊपर उठेगी, इसे ऊपर उठाना है। हम कैसे उठाएंगे, अपने आप उठेगी, जैसे ही आप कहोगे देखा जाएगा यार डील कैसी होगी, नहीं होगी नहीं होगी, देखा जाएगा सब। अब वो काम ईश्वर ने हाथ में ले लिया, जैसे उदाहरण एक पति और पत्नी है, मोना और मांगेराम, मांगेराम और मोना बड़े प्रेम से रहते हैं, इनके प्यार की मिसालें दी जाती हैं। अब 15 दिन बाद मिसाल की मिसाइल दग जाती है और इन दोनों में क्लेश हो जाता है, डर गए, लड़ मरे, ईर्ष्या हो गई, बहस हो गई, अलाउड है, हमारी बात के हिसाब से अलाउड है। अब इन दोनों ने लड़ाई करी, 15 दिन में एक बार लड़ाई हो रही, 15 डेज ये लड़े भिड़े क्लेश किया, अब कर क्या रहे हैं, कॉस्मोस करेक्शन कर रहा है कि 15 दिन बाद तुम्हारे बच्चों को तुमने डांटा, बच्चे से दिया, तुम नाराज हुए, तुम पति पत्नी लड़ मरे, बिजनेस में तुम्हें थोड़ा घाटा हुआ, कुछ भी हो सकता है 15 दिन में, ये आपके एक महीने के कॉन्ट्रैक्ट में डील में है, आपको ये होगा। अब आपने कह दिया ठीक है यार, हो गई लड़ाई खत्म कर, बड़ा ज्ञान चाहिए, पति पत्नी दोनों कहते हैं ठीक है ना, लड़ाई हो गई खत्म, हो यार कोटा खत्म, साले कितने दिन से लड़ाई नहीं, खत्म हो गया, आपने भोग लिया। लेकिन अक्सर 90% केस क्या होता है, वो कहते हैं झगड़ा होगा हमारे बीच, ये तो बहुत झगड़ालू है, ये साला फिर खून पिएगा, ये फिर दिमाग खराब करेगा, उस पर डिबेट चल रही है, फोटोकॉपियां बन रही है। दो बार लड़ाई होनी थी 15 दिन के हिसाब से महीने में, दोनों बार आपने इस चीज का क्लेश, लड़ाइयों को खत्म हो चुकी है, लेकिन ये मन में क्लेश है कि इसने मेरे से बहस कैसे की, इसने मुझसे ऐसे बोला कैसे, इसने मुझे वो क्यों किया, और मन में गांठे लगा ली। अब 16वें दिन कोई लड़ाई नहीं है लेकिन मन में क्लेश है, 17वें दिन कॉपी और बढ़ गई, 4 महीने बाद कॉस्मोस क्या कहता है, हाँ भाई 4 महीने बाद 8 लड़ाइयां इनकी होनी थी, क्या हुई, बोले हुजूर हुई तो है लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अभी भी कि इतनी लड़ाई कर कैसे ली इसने, इसने मेरे साथ इतना क्लेश किया कैसे, इसकी जबान कैसे हो गई, इसने मुझसे ऐसे बोल कैसे दिया। ओहो तो 2 इस महीने की हैं, 8 पहले की हैं, 10 लड़ाइयां, अब 10 दिन खराब कराने पड़ेंगे इनके, ऐसा करो मारपीट करा दो इनके बीच, गाली गलौज करा दो, क्यों होती है लड़ाई, इतनी गंदी लड़ाई, मारने पीटने के बाद पति पत्नी से पूछो, अक्सर कहते हैं इतनी कोई बड़ी बात थी भी नहीं, पता नहीं हम क्यों इतना पागल हो गए, बैंक बैलेंस एक्यूमुलेट हो रहा है, कॉस्मोस कह रहा है अभी लड़ मरो, अभी शांत हो जाओ, ठीक है। वो कहते हैं ना माँ बाप, बेटा दारू मत पिया कर, मम्मी रुका हुआ 4 दिन से, रुका 5वें दिन, बेटा मत पिया कर, अच्छा करा शावर, हाँ मम्मी रुका हुआ बहुत मेहनत कर रहा हूँ, 10वें दिन बेटा नाली में गिरा होता, दोस्त कहते हैं क्यों 10 दिन की इकट्ठा पी ली, कॉस्मोस ने करेक्शन करनी है, कॉस्मोस ब्रह्मांड ईश्वर समय कोई ना कोई करेक्शन कर रहा है। आप बहुत जुल्म कर रहे हो किसी पे, आपको जेल कोर्ट कचहरी ले जाएगा, आप बहुत पैसा मार रहे हो किसी का, आपका लूट जाएगा, उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है यार किया होगा किसी का, छोड़ परेशान है, डॉक्टर को दे दिया दफा कर, डॉक्टर को पैसे नहीं देंगे, हाय 500 रुपए का ब्लड टेस्ट है कौन कराए, सीधा 5 लाख का बिल बनता है बाद में इकट्ठा, ये होता है। कॉस्मोस कहता है तुमसे हर महीने के लेने मैंने, तुम दे नहीं रहे हो, 6 महीने हो गए, 6 साल हो गए, तभी तो लोग कहते हैं जिंदगी में भाई साहब 40 साल में हमें खांसी भी नहीं हुई थी, ये फांसी कैसे हो गई, इकट्ठा हो गया था, थोड़े थोड़े झगड़े, थोड़ी बहुत बीमारी, ये कॉस्मोस का चढ़ावा है, थोड़े बहुत डेंट लग गए, जिनकी गाड़ियों पर डेंट नहीं लगते ना उनकी गाड़ियां डैमेज होती है, फुल बॉडी डैमेज, कॉस्मोस थोड़ी थोड़ी करेक्शन कर रहा है, इसे लगातार करने दो। आपका ब्लड शुगर लेवल 70 से 140 के बीच होता है, अब आपको बहुत शुगर खाएंगे हम ठीक कर देंगे, नास पिट जाएगा, 140 से ऊपर आप शुगर पेशेंट हो गए, आप कहते हम शुगर खाएंगे नहीं, भाई सब सवाल ही नहीं उठता, आपकी शुगर लो हो जाएगी। नहीं हाँ कभी कभी मत कराओ, कम से कम 3 महीने 1 महीने तो बिल्कुल नहीं, इसलिए आपकी जो भी चीज प्लस हो रही है माइनस हो रही है ऊपर वाला ब्रह्मांड ईश्वर कुछ ना कुछ करेक्शन कर रहा है। करा लो, मिक्सी तो कर ली चाहिए, ग्राइंडर मिक्सर दोनों ठीक कराओ, मिक्सी जल्दी नहीं करा दो, करा लो। हाँ जी
भी जैसे कई सिचुएशंस आते हैं जिसमें आप कहते हो देखा जाएगा, छोड़ देते हैं उसको, तो देखा जाएगा तो फीलिंग से ही आना चाहिए। मेरे नॉर्मल एहसास में देखा जाएगा तो काम करता ही नहीं है, लाइक प्री लिविंग के लिए भी मेरे को फीलिंग चाहिए। ये कह रहे हैं कि देखा जाएगा ऐसा मेरा एहसास आता ही नहीं नॉर्मल प्रोसीजर में, तो ये कैसे आएगा, हम प्री लिव कर बैठते हैं, ये तो टॉपिक कहीं और जाएगा। हमारा प्री लिविंग ही सबसे बड़ा दोष है जीवन के अंदर किसी भी घटना को दुर्घटना बनाने में, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर हमें परमात्मा पर छोड़ना है, कॉस्मोस पे छोड़ना है, समय पर छोड़ना है। देखो जो चीज हमसे नहीं हो रही वो किससे होगी, किससे होगी, फिर परमात्मा से होगी। परमात्मा तक कौन ले जा रहा है, एक टॉर्च दिखाने वाला गुरु। तो कोई जीवित लेना है तो गुरु ले लो, वैसे लेके चलना है तो भगवान, उसको बता देता हूँ कैसे करना है। अभी हम इसको लेते हैं दोबारा, अगर बात रहती है हमारी। सर एक क्वेश्चन यहाँ से, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लो सर। अगर अगर लाइफ में सहजता से जीना है एज चाइल्ड लाइक, जो भी होगा देखा जाएगा, तो क्या करें, मतलब कनेक्ट हो सकता है इससे। एक बार बद्री भैया को 1,00,000 रुपए की जरूरत पड़ गई। अब बद्री भैया बड़े परेशान, बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अगर पैसे ना हुए, हमारा जीवन कैसे चलेगा, G1, G2, G3 बड़ा कठिन है। अब बद्री भैया ने एप्लीकेशन डाल दी बैंक में कि भाई बैंक से कुछ मिल जाए, LIC से मिल जाए, कहीं से लोन शोन। इस दौरान में उन्हें शर्मा जी मिल गए, वर्मा जी मिल गए, मल्होत्रा जी मिल गए। मल्होत्रा जी इंग्लिश में मिले, शर्मा जी वर्मा जी हिंदी में मिले, मल्होत्रा जी इंग्लिश में मिले। अब इन्होंने क्या किया, 20,000 रुपए दे दिए इनको, 60,000 हो गए, बैंक से भी 20,000 रुपए मिल गए, और 10,000 रुपए पता नहीं कहां से मिले, क्वेश्चन मार्क से, भगवान जाने साला कौन दे गया, किससे किए, किसने मदद करी, कर गया डाल गया। तो बद्री भैया का काम चल गया यार, बद्री भैया तो खुश हो गए यार, उनका काम भी जारी, घर भी, बच्चे की शादी थी, स्कूल की फीस थी, कुछ भी था, निपट गया काम। अब बद्री भैया ने जीवन में 10,000 रुपए बचे हो, भी 60 हो गए, 20 हो गए, 80 हो गए, तो हम इनसे 30,000 ले लेते हैं मल्होत्रा जी से। मल्होत्रा जी वो अंग्रेजी जानते हैं, इंग्लिश विस्की हमेशा महंगी होती है, जिनको नहीं पता है वो मुझे बता दें। अब इनका 1,00,000 में काम चल गया जी, काम निपट गया बहुत बढ़िया से। अब बद्री भैया के दिन फिर से अच्छे आए, सुधरे, इन्होंने कहा यार वापिस कहो पैसे। अब इन्होंने शर्मा जी को कहा, शर्मा जी आपका धन्यवाद, ये लीजिए 20,000, नमस्कार। वर्मा जी को भी और मल्होत्रा जी को भी आपका बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बैंक को दिए, बहुत अच्छे टाइम पर आपने, मतलब बताऊं मैं कैसे, मेरे को जिंदा कर दिया, 10,000 रुपए। अब वो बोले 10,000 रुपए देने हैं, उन्होंने आकाश की ओर खुले में जाके प्रार्थना की, हे ईश्वर तेरी बड़ी कृपा, जिसने मुझे 10,000 दिए, बड़ी कृपा की, मैं तुझे क्या करूं, किसे दूं, कहां ले जाऊं, तेरा धन्यवाद है, मैं इसको ऐसे दान कर दूंगा। उन्होंने आगे साइकिल में पाइपलाइन में डाल दिए। अब कॉस्मोस के पास हिसाब किताब है, कॉस्मोस ने देखा, किताब खोली, भाई क्या हो रहा है भाई, तो कॉस्मोस को पता चला कि हमारे मांगेराम ने 10 लोगों को 10,000 रुपए दिए थे, 1,00,000 रुपए दान किए थे, उसमें एक बद्री भैया भी थे। अब कॉस्मोस ने कहा भाई क्या आया इन 10 लोगों से लौट के, तो बोले हुजूर 7 लोगों तो धक्के खा रहे हैं, 7 people nothing 0, इनका तो ना काम चला ना दाम चला, साले वहीं के वहीं धक्के खा रहे हैं। एक बंदा है पहला, उसके घर के अंदर दाल रोटी का जुगाड़ हो गया जी, जरूरत पूरी हो गई, जरूरत उसकी पूरी हो गई बिल्कुल, बोले ठीक है। दूसरे का क्या हुआ, उसकी बीमारी थी जी, हेल्थ ठीक हो गई। तीसरे का क्या था, तीसरे की लाइफ में तो जी बस ऐसी खुशियां आई है ना, उसके तो शादी थी बच्चे की, और उसने तो कहा वाह वाह हुई यार उसकी, वाह 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 हो गई, बोले बहुत बढ़िया। बोले इन तीनों का मन था जी कुछ वापिस दे पलट के, तो इन्होंने आपके नाम पर मंदिर में गरीबों के नाम कैसे ना कैसे 10,000 रुपया कुछ भी कीमत अदा कर दी। अब ईश्वर ने कहा ठीक है भाई, 7 को तो हम डालो कूड़ेदान में, अब मांगेराम को वापिस देना पलट के, क्योंकि मांगेराम को इसने तो दिया नहीं बद्री भैया ने कुछ भी, तो कॉस्मोस के पास 4 लोगों से आई हुई चीज है। पहले आदमी से क्या मिला है, मेरी दाल रोटी चल गई, मेरी जरूरत पूरी हो गई है भगवान, तेरी बड़ी कृपा है। अब वो कहां जाएगा, कॉस्मोस ने अपने पास रखना नहीं, उसने बद्री भैया की पहले दूसरे तीसरे सबकी चीज उठा करके मांगेराम को लौटानी है। मांगेराम पहले रोटी पानी से लाजवाब है। अब जरूरत क्या है मांगेराम, इसकी तो जरूरत पूरी हो गई, मांगेराम की जरूरत है यार एक होटल चाहिए मुझे, एक बिल्डिंग और 2 गाड़ी चाहिए आगे, ग्रांटेड। मांगेराम ऐसे झटके से अमीर बनते हैं, कैसे बन जाते हैं यार, कॉस्मोस लौटाता है, कहते हैं यार भाई अल्लाह ही मेहरबान है इस पे, तो यार ये तो भाई बस सोने को पानी को हाथ लगाता है सोना बनाता है, पीतल को हाथ लगाता है सोना बनाता है। दूसरे की हेल्थ, मांगेराम खुद ठीक ही है, अब उसको हेल्थ मिल गई है, कॉस्मोस को हेल्थ का वापस आशीर्वाद मिला, कॉस्मोस कहती करेक्शन करनी है, मांगेराम को क्या दो, मांगेराम खुद ठीक है,
इसके बच्चे की थोड़ी बीमारी है, थोड़ा सा इसकी माँ को तकलीफ है, ठीक कर दो। वो हॉस्पिटल से मरे मरे लौट के आते हैं, आईसीयू के पैसे हैं मांगेराम के, लोग पैसे दे के मर जाते हैं, मांगेराम के बाप भाई माँ लौट के आ जाते हैं, और मर के राजी नहीं आसानी से, मुश्किल से तीसरे को वाहवाही दी है, ये भगवान मजा आ गया सा। अब पता लगा जी मांगेराम को वाहवाही लौटा के देनी है, मांगेराम पहले मशहूर है साला, अब इसको और क्या मिलेगा। पता लगा एक बिजनेस और खुल गया उसका, साला चार जगह से सम्मान मिल गया उसे, दो लोगों ने उसे पुरस्कृत कर दिया। इसकी क्वांटिटी छोटी थी, इसकी क्वांटिटी इसके लिए छोटी है। कॉस्मोस क्या कर रहा है, आपको वापस कन्वर्ट करके देता है, ये कॉस्मोस की करेक्शन है। आपका क्या रोल प्ले है, आपने किसको दिया दान। अब इसका दूसरा पॉइंट, मांगेराम को पता लग गया इन लोगों का फायदा हुआ और बद्री भैया का, और मांगेराम ने कहा है मैंने दिए ये 10,000 चार लोगों को, मैंने दिए मैं। अब भगवान कहेगा, कॉस्मोस कहेगा यार करेक्शन करनी है, भाई ये तो मांगेराम ने दिए, तो मांगेराम भाई तेरे पैसे चले गए बद्री भैया की प्रॉब्लम खत्म करने में, तो ये प्रॉब्लम कहां जाए, ये प्रॉब्लम मांगेराम को आ जाएगी। इसने कह दिया मांगेराम ने है मैंने दाल रोटी दी है इसको, बोले हो इसको दाल रोटी तूने दी है, मांगेराम के बैंक अकाउंट से घर के राशन पानी से दाल रोटी बाहर जाएगी और ये इसके पास जाएगी, मांगेराम का घटेगा, यहां मांगेराम की हेल्थ घटेगी और यहां मांगेराम को बदनामी मिलेगी, इसने दुख खरीदे। अगर मांगेराम ने कॉस्मोस को दिए कि दे दिए दफा कर किसको दिए छोड़ पड़े मुझे कोई लेन देन नहीं, वो प्रकृति कॉस्मोस आपको वापस लौटाएगी अपने तरीके से, इसलिए मैं बीच में हटा, ये दोनों चक्र ऑफ हो गए। आपका मूलाधार और स्वादिष्ठाना ऑफ होने मात्र से सुषुम्ना एक्टिवेटेड है, सुषुम्ना एक्टिवेटेड मींस कॉस्मोस को दिया है। आपको जो भी चीज देनी है कॉस्मोस को देनी है, आपको गुप्त दान देने हैं। बड़े बड़े लोग अरबपति बन जाते हैं, अभी 22 करोड़ के घी के पीपे दान किए किसी ने गुरुद्वारे में नंदेड़ के, उसको क्या आएगा लौट के, अंधा आएगा अंधा। उसने जो दिया है 22 करोड़, उसको पता नहीं 250 500 करोड़ कितना आएगा वापस, अपने आप आएगा, और धन के रूप में नहीं, मन के रूप में, तन के रूप में। अगर उसने कह दिया मैंने किया, सबकी बीमारियां आ जाएंगी। जो जो माँ बाप बच्चे को ये कहता है मैंने किया है तेरे लिए, पिटते वो, और जो ये कहते ना बेटा तेरा नसीब था, तेरे नसीब में उन्होंने लिखा था मैं किस खेत की मूली हूं, उसको ईश्वर पलट के देता है। आपको स्वतंत्रता देनी नहीं आती क्योंकि आप स्वतंत्र होना नहीं चाहते, क्योंकि आप समझते संपत्ति है मेरी, मैं और मेरा, मैं आपका स्वादिष्ठ नाम कर रखा मेरा में, तो और भी नीचे मूलाधार पर ये बांध के रखेगा, और आपकी सब सर्वप्रथम नीचे की हड्डियां भीगूंगी, ये हड्डियां भीगूंगी जो मेरा 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 करते रहेंगे हड्डी भी। जिसको उसकी इज्जत पर, मान पर, सम्मान पर क्लेश होगा उसको शुगर हो जाएगी, उसको फियर होगा किडनी पे लोड आ जाएगा, इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, जो सारे टाइम इस क्लेश में हाय मेरे जिंदगी में मुझसे गलती ना हो जाए, खुद से लड़ रहे हैं। अधिकतर लोग खुद ही से लड़ रहे हैं जीवन के अंदर, कोई पत्नी से लड़ रहा है, कोई पति से लड़ रहा है, कोई बच्चों से, अधिकतर तो खुद ही से लड़ रहे हैं। उन सबके इंटेस्टाइन खराब हो गए, सबके स्किन की एलर्जीज होंगी, ये होना ही होना है किसी हालत में, क्योंकि कॉस्मोस कह रहा है ये एनर्जी कहां जाके फाड़ो, ये एनर्जी किसको दिक्कत खराब करेगी, एनर्जी देनी कैसे है। एक लेडी एक बार बहुत रोती पिटती हुई एक महाराज जी के पास चली गई, बोले दुखी हो गई जीवन से। जैसे देना है हमने किसी को, एक तो भाव आता है, एक मुंह से कहना रहता है, दोनों में फर्क होता है। ये कह रहे हैं कि देना है अगर हमने किसी को तो मुंह से भाव आता है या मन से बोलते हैं, क्या होता है, दोनों में फर्क होता है। आपका ये सोचना कि हमने देना है ये गलत है, सोचने हमने किसी को क्या दिया उसका था उसे लौटाया है, और भाव आए तो फिर क्या करे, मुन्ना है देख लो, अच्छा आ गया तू भी, अच्छा ठीक है भाई तू दे दे, तू पहले दे, मुन्ना से दोस्ती कर लो, सेटिंग कर लो, लड़ो मत, और इस चीज का घमंड आ जाए कि देख लिया इसको, अगर इस चीज का घमंड आ गया तो इसको भी देखो, वाह अच्छा बेटे की जान, अब तो हमें घमंड भी देगा छेनू, आपकी ब्रेन गामा करने का घमंड भी देगा, ब्रेव ऑब्जर्वेशन मींस अल्फा, ऑब्जर्व करते ही गामा से नीचे आ जाओगे आप, अल्फा पर वार ऑल द टाइम, दैट इज वेयर एनर्जी गेट्स रिस्टोर्ड, एनर्जी वहां रिस्टोर हो जाएगी, फिर से अल्फा बनो आप, अल्फा पे आ गए ना, ऑब्जर्व किया आपने सर, हम कैसे आ सकते हैं अल्फा पे, अपने आप आएंगे, ब्रेन की स्पीड अल्फा पे होगी, तो हमें नहीं पता होगा, हमें पता करने की जरूरत नहीं, वो होगी ऑब्जर्व करते ही अल्फा पे हो आप, ये स्वतः है, 8 से 14 हर्ट्ज चल रही है ब्रेन स्पीड। तो उस लेडी ने बोला महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मैं इतनी परेशान हूं, काम नहीं, धन नहीं, मैं चाहती हूं ऐसा कोई यंत्र मंत्र आप मुझे दे दें लिखकर कि मेरे बच्चों की भूख मर जाए। बोले अरे बेटा ऐसी समस्या है, रुक बच्चे मैं अभी आया। तो महाराज अंदर गए कुटिया में, वहां से एक यंत्र पे कुछ लिखकर ले आए और उसकी पुड़िया बना के कागज में कपड़े में लपेट के उसको दे दी, ये वहां रखना जहां तुम कल अपनी तिजोरी बनाओगी। बोले महाराज भूखे नंगे फाके में जिंदगी। बोले बेटा रखो जाओ। तो घर में चले गए, कोने में जाके एक छोटी सी हंडिया थी उसमें घुसेड़ दिया उसने साला, ऐसी की तैसी सो गया रात को। भगवान बहुत से, अब आज से मैं चिंता नहीं करूंगी, अब मेरे पास चिंता करने के लिए कुछ है नहीं, मैंने महाराज तक पहुंचती महाराज पे जाके छोड़ दिया, खत्म। कहा करो
कॉस्मोस की करेक्शन हो गई कि हाँ भाई क्या हो रहा है, बोले जी एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने जीवन के दुखों को और आज इनका कोटा समाप्त हुआ। बोले ठीक है। सुबह उठे घर के बाहर आंगन में रुपयों की पोटली मिल गई पड़ी हुई। बोले अरे कमाल है, बाबा जी के मंत्र में शक्ति थी, कमाल हो गया। देखा तो पैसे, बोले अरे इससे तो मैं दुकान खोल लूंगा बीड़ी सिगरेट की घर के बाहर ही, बड़ा अच्छा हो जाएगा। समय का चक्र चला, बीड़ी सिगरेट की दुकान चल पड़ी, फिर बाद में दूध की डेयरी खुल गई। एक साल के बाद देखा तो भाई उसमें पैसे इकट्ठे हो गए एक्स्ट्रा। बोले सुनो आज ये पेमेंट इकट्ठा हुई है एक साल बाद, इसे कहीं रख दो संभाल के। बोले अरे वाह क्या दिन आए हमारे, पैसे संभालूंगी। याद आया तिजोरी बनाने के लिए बाबा जी ने कहा था एक जगह चुनना और वहां पर वो मंत्र लिख रख देना। बोले मंत्र भी पढ़ो साला, क्या था ऐसा मंत्र में, बाबा जी ने क्या लिखा था ये। तो गई फटाफट हंडिया के अंदर, उसने पैसे रखे, पुड़िया निकाली, माथे से लगाया, पढ़ा, खोला, इस पे लिखा था कि बेटा जब भी तुम इस योग्य हो जाओ कि इस जगह पर धन एक्स्ट्रा रख सको तो यहां ना रखना, वापिस लौटा देना। नीचे लिखा था कहां लौटाना है ये पूछोगी तुम तो बेटा किसी ऐसे घर में चुपचाप फेंकाना बिना बताए जिस घर में बच्चे रोते हो। वो उसी रात गई फेंका, अगले दिन से और पलट पलट के ज्यादा आया। ये धन के आने का तरीका है, वो कैसे आएगा, कॉस्मोस को दो, व्यक्ति को मत दो। आपके कोटे से घटेगा, कॉस्मोस से मांगो। आपको व्यक्ति अमीर नहीं बना सकता, तू मुझे फ्लैट दे, तू मुझे पैसा दे, तू दे तू दे, तू सब दे सकता है। तूने मुझे सांस दी है, तूने मुझे भोजन दिया है, तूने भोजन पचाने की शक्ति दी है, तूने नेत्र दिए, नेत्रों को ऊर्जा प्रदान की है, दृष्टि दी है, तुझसे लेंगे और वो भंडार भरा हुआ है, वो अनंत दे सकता है क्योंकि उसकी औकात का कोई सिर पैर ही नहीं। छोड़ दो, संघर्ष नहीं, लड़ना नहीं। हाँ जी बोलिए। लेकिन उसे तो भावना से फेंका ना कि उसके पास लौट के वाला आएगा ना, अगर उसने इन्होंने बात बोली, अगर इस भावना से फेंका के उसके पास लौट कर और आएगा, अगर इस भावना से फेंका के लौट कर और आएगा तो प्रीलिव कर लिया, वो भी गया। जब दिया तो दे दिया, मैंने आपको एक पेन दिया, अब आप बड़ी टॉर में, वैसे मैं क्यों दूंगा, मैं तो ब्राह्मण हूं, लेता हूं मैं आपसे, आप दो मुझे, ठीक है। मैंने आपसे पेन लिया, अब मैं जेब में लगा के टॉर में घूम रहा हूं, चार दिन बाद पेन गायब, आपको क्लेश हो गया, भाई क्या पेन दिया था वो कहां गया, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं उसको कान में लगा के साफ कर रहा था, गंदगी निकली, मिनाल कूड़े में फेंक दिया मैंने, मेरी मर्जी। आपका पूछने का हक समाप्त हो चुका है, आपने मुझे दिया ही नहीं, फिर इसका मतलब आपने प्रकृति को दिया कैसे, आपने मुझे पेन दिया, आपको पेन भूलता नहीं तो आपने मुझे दिया ही नहीं। अगर आपने मुझे दिया, मेरा मात्र निमित्त मात्र बना और दे के खत्म किया, वो कॉस्मोस को जाएगा। आपके पास चार पेन और आएंगे, ठीक है, तो देख लेना कौन सा पेन देना मुझे। पहले वाला पेन कहां गया ये आप समझ अब आया, आपको वो रखा हुआ मैंने, मैं तो आजकल अमेजन पे कूड़ा भी बेच रहा हूँ, क्यों, प्री रेडी ऑलरेडी कुक्ड कूड़ा लेने आओ भाई, घर में कूड़ा नहीं जमाने की जरूरत है, ये अलग स्कीम है, इस पे अलग से बकवास करेंगे। तो आपने अपने जीवन के अंदर यदि किसी को कुछ दिया तो आपका हक समाप्त। बच्चों को कुछ दिया, उन्हीं का था, भूल जाओ, मरने के बाद कॉस्मोस छीन के आपसे लेके दे देगी। हम चाहते हैं मेरे बच्चे को चीज जाए, नहीं लिखा होगा, रामू ले जाएगा हमारा। कॉस्मोस करेक्शन करती है, ये हमारे हाथ में नहीं है। मैं अपनी बीवी को सुधारूंगा, मैं अपनी बीवी को सुधारूंगा, प्रकृति से मांगो, हमें उससे मांगना ही नहीं आता। जब से नई बीवी मांगे या सॉल्यूशन मांगे, प्रकृति से आपको नई पत्नी भी मांग सकते हैं, सॉल्यूशन तो पत्नी ही देगी अगर देगी तो, हमारे हाथ में तो होता नहीं है। आपको अपने जीवन के अंदर जो लेना है, अरे फटके हंसो, देखो ज्योति जी आई है, घर जाकर के अपने आप बत्ती चलेगी। इसलिए हमारे साथ जो भी हमारे पास आना है वो करेक्शन के तौर पे लीजिए। बच्चों पे एहसान जताना बंद, कहां क्या पैसा खर्च किया बंद, ये किसी का सगा नहीं है, अपने आप दे दो, प्रकृति तो छीन ही लेगी, आपकी मृत्यु पे इकट्ठा करके छीन लेगी। धीरे धीरे देते रहो, परमात्मा आपके साथ कोटा सेट करा के चलेगा, शरीर पर मत आने दो। इसलिए आपकी गाड़ी पे डेंट है, आपके घर में प्लेटें टूट रही हैं, आपका बिजली का सामान खराब हो रहा है, बड़ी अच्छी पेमेंट है। कैंसर किसी को पहली स्टेज पे नजर आ जाता है और ठीक हो जाता है, किसी को भाई तीसरी स्टेज तक नजर नहीं आ रहा, चौथी पे क्यों आता है, क्योंकि ऑरा और ऊर्जा बहुत एक्यूमुलेट हो चुकी है अंदर। इतना मत एक्यूमुलेट करो, चीजों के ऊपर खराबी हो लेने दो, आपकी ऑरा स्वयं के शरीर से नष्ट नहीं होती, यह शरीर फिर 10 चीजें बना लेगा। आपका शरीर खराब, आपका दिमाग खराब, आपकी नौकरी खराब, आपका दिमाग खराब, आपकी गृहस्थी खराब, आपका दिमाग खराब, इस दिमाग को ठीक करो। और दिमाग किसको दो भाई, बीमार मशीन किसको दी जाती है, मैकेनिक को, खराब साइकिल किसको दी जाती है, मैकेनिक को,
तो ये खराब दिमाग किसको दो? गुरु को दे दो। और मैकेनिक क्या करेगा? ठो पेचकस प्लास खचर पचर। गुरु क्या करेगा? तू क्रोधी है, तू कामी है, तू कलेशी है। हां जी मैं हूं। अगर ये कर सको तो वो गुरु है। जिसके सामने ये कह सको वो गुरु है। हम यही नहीं मानते, हम गलत हैं। और हमारी गलती किसी ने बता डाली तो हम सोचते पहले तो इसको सिलूं और सिल के फिर सुई मार मार के उधेड़ूं, पक्के जख्म करूं। हमारी सुनने की क्षमता, लिसनर, अगर हम मात्र सुन सकते हैं और सहने की आवश्यकता ना हो तो समझो हमने प्रकृति को अपने साथ आत्मसात कर लिया। ऑब्जर्वेंस हो रही है लेकिन झुका नहीं जा रहा। इन्होंने बोला ऑब्जर्व तो मैं कर रहा हूं, झुका नहीं जा रहा। ये बहुत खुशी की बात है। आज इन्होंने ये माना है, स्वीकारा है कि मुझसे झुका नहीं जा रहा। आज इनके मुन्ना के अलग गुरु बुद्धि ने ये पढ़ लिया है कि मुझसे झुका नहीं जा रहा। पहले ये भी नहीं पढ़ पाते थे कि मेरे को झुका भी नहीं जा रहा है। बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट है आपके, गजब की इंप्रूवमेंट है। और ये भी जान रहे हैं कि ऑब्जर्व हो रहे हैं। अब ये दृष्टा भी है और साक्षी भी है और देखने वाले, देखी जिसको जा रही है चीज वो भी है, दृश्य भी है। यानी कि दिमाग के तीन टुकड़े होने शुरू हो गए। कुछ लोग कहते हैं पागल है तो तेरे बुद्धि भ्रष्ट है, फलाना ढिमकाना है, उसका दिमाग खराब है, गाली बकरा है दूसरे को। दूसरा कहता है मेरा मन कर रहा है मैं तुझे बोलूं तू पागल है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट है। उसके पास दो दिमाग है। एक दिमाग उसका ये जान रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है, और उसका एक तीसरा दिमाग हो जाता है वो पंछी जो ऊपर बैठा है मात्र देख रहा है। इसके ऊपर बहुत एग्जाम्पल आते हैं कि नीचे क्या लीला चल रही है, ये सब क्या सोचवा रहा है मेरा मुन्ना। याद रखें खुद को ब्लेम कभी ना करो। आपने इस जन्म में आज तक कभी गुस्सा किया ही नहीं है, आपसे हमेशा गुस्सा हुआ है। आपने ईर्ष्या की ही नहीं है, आपने द्वेष किया ही नहीं है, आपने लोभ किया ही नहीं। खुद को मुक्त रखो, खुद को ब्लेम नहीं कर रहा। हम तो अच्छे हैं और हमसे ये सब जो करवा रहा है वो मुन्ना है, और उस मुन्ना को हमने किसी गुरु के आगे नहीं दिया, इसलिए मुन्ना मुझ पे हावी होता है। ये परमानेंट फीचर बना लो, आपका शरीर बीमारी से मुक्त रहेगा। जोड़ा जाएगा मुन्ना उस पे हावी था जब उसने एकलव्य से अंगूठा मांगा, क्योंकि शिष्य तो वो भी था इनडायरेक्टली और अर्जुन भी था। ये हो सकता है कि अर्जुन के सामने वो सिचुएशन आ गई तो वो महान हो गया, एकलव्य के सामने नहीं गई। तो दोनों मुझे कैसे, उन्होंने बोला कि द्रोणाचार्य के आगे क्या स्थिति थी मानसिकता की जो उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। हम सारे कैरेक्टर ले लेते हैं, द्रोणाचार्य हो गया, भीष्म हो गया, धृतराष्ट्र हो गया, दुर्योधन हो गया, ये सारे षड विकार पे थे। किसी में काम था, किसी में क्रोध था, किसी में लोभ, किसी में मोह, किसी में ईर्ष्या, किसी में अहंकार। द्रोणाचार्य फूका बैठा था द्रुपद से मुझे राज नहीं मिला, और उसको इस्तेमाल करना था किसी को, कि सारे इस्तेमाल करूंगा मैं तेरे को बर्बाद करने के लिए। उसने कहा बढ़िया तरीका यह है कि मैं कौरवों की साइड से अर्जुन की मदद लूं और अर्जुन के द्वारा द्रुपद को हरा दूं। अर्जुन को उसने बोला गुरु दक्षिणा में ला दे, अर्जुन ने ला करके उसे राजपाट दे दिया। उसको यकीन नहीं था कि एकलव्य मुझे ये करके दे सकेगा, इसलिए उसने एकलव्य को साफ कर दिया। महत्वाकांक्षाओं के मारे थे इसीलिए मारे गए। धर्म स्थापना धर्म सार्थे संभवामि युगे युगे, हर युग में, हर पल में, हर क्षण में, हर समय में ईश्वर कृष्ण लगातार हृदय चक्र को स्थापित करने के लिए, ताकि आपकी इदा और पिंगला यहां तक तो फाइट करें ना, फाइट ही ना करें। सुषुम्ना यहां तक ऑन रहे, यहां से आपका 64.6 क्वाड्रिलियन माइल्स पर सेकंड की स्पीड से हार्ट चक्र से वाइब्रेशन जाए कॉस्मोस में और लौट करके मैनिफेस्टो, इस पे हम क्लास पहले कर चुके। इस काम के लिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ था। जिन जिनका यौन नहीं था सारे मरे, सारे जिद्दी पागल थे, भीष्म पागल था जिद्दी, मैं नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसलिए करूंगा, सहज नहीं थे द्रोणाचार्य का। जितने लोग षड विकार के पास तक रहेंगे वो मरेंगे आखिर, कॉस्मोस उनको मारती है, ये उसूल है। अर्जुन के साथ कृष्ण ने मात्र इतना बोला तेरा सोचना बंद, सोचना मींस रिजल्ट समाप्त। मुन्ना सोचवाता है क्या होगा भागे, ये कौन सा है लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, ये कौन सा है फ्लाइट एंड फाइट मोड, राइट साइड क्या कर रहा है रिलैक्स एंड डाइजेस्ट, कौन पापा करेंगे यार, भगवान करेगा यार, छोड़ परे ना, कैसे होगा नहीं होगा, कृष्ण ने एक ही जाप करवाया उससे, देखा जाएगा ना, तेरी बलि देनी पड़ेगी, क्या होगी, मर गया ना धृष्टद्युम्न, बलि तो लूंगा, फ्री तो कुछ आएगा नहीं, पांचों बच्चे मर जाएंगे, हाँ तो बलि तो लूंगा, फ्री कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही आप कॉस्मोस को कुछ दोगे वो आपको पलट के चीज देगा। हमारे मस्तिष्क के कितने हिस्से हो सकते हैं, जैसे हमें बताया गया कि रामायण में भगवान उसके रावण के 10 दशानन थे, उनके सिंबोलिक थे 10 के 10, उसके एग्जैक्टली वो नहीं थे, फिजिकल सिंबोलिक थे। तो ऐसे ही षड विकार के हिसाब से हम 6 तरह से सोच सकते हैं, या ज्ञान 4 ऐड करते हैं तो 10 तरह के सोच सकते हैं, इससे भी ज्यादा हो सकता है। ये कह रहे हैं कि हमारे दिमाग के कितने हिस्से हो सकते हैं, चक्रों को देखें तो हमारे पास 12 एरियाज हैं, 360 डिग्री के हिसाब से 12, 30 डिग्री का एक, 12 ही मेन आते हैं। इसमें मुख्य 7 हैं, जिसमें 9 ग्रह स्थापित हैं, विद्योर के 7 कलर स्थापित हैं,
मुख्य रश्मियां इसमें सात है, इसलिए सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र इसको हम लेके चलते हैं, साथ में राहु केतु नेपच्यून यूरेनस प्लूटो, इस पे हमने क्लास की हुई है घबराहट। तो दिमाग के सारे हिस्से ऑन है, अनंत है दिमाग, इसको गिन के चला जाए वो वाली बात नहीं है कि हम ये बोले कि एक खास हिस्से से सोचना है खास से नहीं, सारी बात जैसे ही आपने कॉस्मोस के ऊपर छोड़ना है, मींस कोई एक भगवान लगा लो अपना टीले वाला बाबा लगा लो, कोई बोले इस पे छोड़ दिया खत्म करा यार वो करेगा देखा जाएगा, और जब जैसे पेन दे दिया तो अब उस पेन का मैंने अचार डाला कोई मुझे लेना देना ही, मैंने दे दिया मेरा हो गया कोटा खत्म, मैंने कर दिया एहसान अगले पे, अब मुझे कोई लेन देन नहीं है पेन का क्या कर रहा है, बहुत महंगा था बड़े दिल से दिया हाय रख ले भाड़ में जाए, मैंने कर दिया बच्चे पैदा अब साला उनका क्या होगा टेक केयर कर लेंगे, नहीं हो तो इनका नसीब, मैंने चला लिया बिजनेस मैं लगूंगा पूरी मेहनत से नहीं चलेगा तो इसका नसीब, ये थॉट प्रोसेस चाहिए। आप उससे मुक्त हो जाएंगे निष्प्रिय, जैसे ही आप उससे मुक्त हो जाएंगे कॉस्मोस विल टेक ओवर, ईश्वर विल टेक ओवर। ये कह रहे हैं कि पेन तो हमने दान दे दिया अब दूसरे की जेब का अच्छा लगने लग गया, अगर ये ऑब्जर्व हो रहा है अगर आपको दूसरे की जेब का अच्छा लगने लग गया तो अभी तक आपने पहला पेन दिया ही नहीं, आप अभी भी जुड़े हुए हो। एक चीज याद रखिए, आपके पापा आपका ध्यान रखेंगे, बड़े पापा अच्छे से रखेंगे, बड़े पापा के भी पापा रखेंगे और अच्छा रखेंगे अगर ईश्वर रखेगा ना, कमाल। आपको नाभि पे जाना है, आपको सांस कोई लेकर दे रहा है, आपकी सांस उखड़ती है अंदर अपने आप सिस्टम लगे हुए, अपने आप ही सांस ठीक करने के सिस्टम है, आप हाफ जाओगे फेफड़े एक्स्ट्रा काम करेंगे, एक लेवल तक कॉस्मोस करेक्शन करता है, उस पे छोड़ना सीखो। बीवी ने मुझसे क्लेश किया पिछले जन्म में, मैंने बहुत मारा होगा उसे, उसने इसलिए किया है, खत्म हो गए कोटे, आज तक के कोटे खत्म। हम उल्टा करें सैडीज की हिम्मत कैसी हो गई, अच्छा ऐसा वाले दांत खींच के, ठीक है कि छाड़ी तेरी हिम्मत कैसे हो गई, मेरा स्टाइल देखो अंदर जवान भी चल रही है, ठीक है अब तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने ऐसे बोल रही है, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, ठीक है ये आपने लगा लिया साथ में तो आप ही के टूटेंगे, हमारे दांत टूटेंगे। उसे क्षमा कर रहा हूं मैं बड़ा महान हूं, अब महान बन रहे हो, उसका कर्म उसके हवाले मेरा कर्म मेरे हवाले, ये कॉस्मोस पे छोड़ा, अब कॉस्मोस करेक्शन करेगी, ठीक है मैं न्याय करता हूं मैं करके देता हूं, और बताया तो आपको अगर लड़ना भिड़ना है जाओ खुले में जाके स्पेस चक्र ऑन करो, स्पेस में जाकर के गाली बक दो पत्नी को, दुनिया बकी उसको भी एक तू भी मुझे ऐसी बक, वाष्पित कर दो बाहर, इवेपोरेट करा के खत्म करा के एग्जॉस्ट करा के एक्सक्रीट करा के स्वाहा करो। जब तक आप मौन नहीं सीखोगे, मौन मींस अंदर जबान के अंदर जो विचार है वो बंद, तब तक अंदर कूड़ा इकट्ठा होता रहेगा और यहां से फिर फटेगा भटैच। अब मैनिफेस्ट हो जाएगा जिस विचार को शक्ति दी मैनिफेस्ट होगा, तो मुन्ना को शक्ति ना देना ये, मुन्ना जो कर रहा करने दो, आपका बच्चा जो कर रहा करने दो, उसका भाग्य उसे कहीं नहीं जाएगा। जितनी चीजें जुड़ी हुई हैं सबके साथ भी अप्लाई हो रही है हमारे जीवन में, हमने पूरी मेहनत करी पूरा कार्य किया पूरी दक्षता लगाई फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। एक आदमी नाव में बैठा, नाव खेनी शुरू करी, बहुत जोर लगाया, बहुत बढ़िया से उसने मोटर ऑन करी, देखा तो नाव ज्यादा आगे जा नहीं पा रहे, पता लगा रस्सियों से बंधी पड़ी है इसलिए नहीं जा पा रहे, मोटर ने तो पूरी जान लगा दी, कौन सी रस्सियां। ये जितनी फेमिलियरिटी है ना, फेमिलियरिटी जिन चीजों से हम फेमिलियर है, फैमिली भी और हमारा कंफर्ट जोन, जितनी फेमिलियर चीजों के साथ हम रह रहे हैं उतनी फेमिलियर चीजों की वजह से हमारी नाव आगे नहीं जाती, इसलिए बंधन तोड़ो। हम चाहते हैं यार ये नौकरी बढ़िया नहीं चल रही है, इसमें बहुत मेहनत करो, उसको छोड़ दो दूसरी क्रिएट करो, और कैसे छोड़ो अहंकार से, अगली भी नहीं मिलेगी, और छोड़ दो कि नहीं इसमें मैं हूं दुखी, इसको छोड़ दो, ये डील नहीं हो रही मैंने छोड़ दी। मुन्ना जा रहा है उधर सोच रहा है, अब लड़ रहे हैं, दिमाग क्यों जा रहा है उधर, सीधा सोचो अरे यार दिमाग का तो काम है जाएगा जा रुक जाएगा। एक देखने वाले दृष्टा की तरह देखोगे, कॉस्मोस आपको नई डील ला के देगा, मुन्ना आपको नई लॉलीपॉप ला के देगा, फस आप नहीं फंसोगे, पैसे दे देगा, सफल ही कर देगा। आप इस टेंशन में क्यों हो, बीवी मेरी नहीं सुनती, बोलो मेरी बीवी मेरी नहीं सुनती, बहुतों की सुनती है, उसमें क्या हो गया। पॉइंट सबसे बड़ा क्या है, मेरी जिद है कि मेरी बीवी सुने, ये मेरी जिद है, ये क्लेश है, मुन्ना ने उसको स्वयं में ही प्रिलीव कर डाला है, इसलिए सत्ता में वो सुनेगी। सीधा सोचो यार पाप है मेरे, ये बीवी थोड़ी है मेरी, ये पति थोड़ी है मेरा, ये पाप है मेरे, पिछले जन्म का लेन देन है, अब मुझे इससे द्वेष भी रख के कुछ नहीं। अब बोलेंगे भैया इतना महान तो हमसे ना बना जाता, ये तो बहुत लंबी बात छोड़ दी, कोई बात नहीं तो कष्ट सहते रहो, आपने जिस कष्ट को भोग लिया वो कोटे में से कट गया, राइट ऑफ।
और जिसे नहीं भोगा वो कैरी ऑन। आपको 1000 रुपए देने डॉक्टर को और वो 1000 रुपए देने के बाद फिजिकली भी आप मन में सोच रहे हो साला 500 लायक डॉक्टर है, 500 फालतू दिए फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि 500 की ऊर्जा तो दी ही नहीं, नोट तो 1000 का दिया, ऊर्जा 500 की दी। अब ऊपर वाला कह रहा है करेक्शन, कॉस्मिक करेक्शन, यार 500 की ऊर्जा गई है, नोट भले 1000 का गया फिर बीमार पड़ोगे। जब हाथ जोड़ के उसे दोगे ना, डॉक्टर साहब आपकी अमानत मेरे पास रखी हुई है, रखी हुई है करके बोल रहे, रखी हुई है ले लो, तब जाकर के आप बीमार ठीक हो जाओगे। और आप कहोगे यार कमाल है, आप एक 500 का नोट लेके टीले वाले बाबा के मंदिर में जाते हो, वहां चढ़ाते हो, ठीक कैसे हो जाते हो, कैसे हो जाते हो, क्योंकि वहां जाके आप कहते हो एनर्जी। अच्छा इन्होंने बोला है अगर ऐसा भी हो सकता है एनर्जी एनर्जी दे दें, ये आपका गुरु लेगा आपसे, ये आपको फ्री में नहीं देगा कुछ, वो आपसे एनर्जी लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा वो क्या एक्सचेंज करके दे रहा है, वो आपकी एनर्जी लेगा, आपका कूड़ा भी लेगा और आपके कूड़े के कारण खुद भी परेशान होगा लेकिन डाइजेस्ट करेगा क्योंकि उसे आता है। इसीलिए बड़े बड़े गुरु घंटाल बड़ी बड़ी बीमारियों से भी गुजरते हैं क्योंकि वो कूड़ा लेने की ताकत रखते हैं, क्योंकि वो सीधा कॉस्मोस को दे देते हैं और भोग लेते हैं। अब यहां तक विचारधारा बनने लायक शक्ति कब होगी, जब आपने पहले ये सोच लिया ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरा पूर्व जन्म का लेन देन है, ये मेरे बच्चे नहीं है, ये मेरा पहले का लेन देन है, मैं कहां जुड़ता फिर रहा हूं, आपको रात की नींद हराम कर देंगे वो। रोजी फिर कभी 12% जो ज्ञान से पता चला कि 12% भाग्य है उसको तोलमोल तो करना ही चाहिए, जो आ रहा है एवरीथिंग इज ओके, ये प्रारब्ध है। ये कह रहे हैं कि जो 12% भाग्य मिला है इसका मतलब उसे ज्ञान से तोलमोल करना ही नहीं चाहिए, उसको तोलमोल करने का कोई सिर पैर ही नहीं है, वो तो फिक्स है, पता चल गया कि होता है जो हो रहा है वही है, जो देखो जो हो रहा है वही हमने मैनिफेस्ट किया है, पहले तो खुद ही का ब्लेम ले लो, मैंने ही किया है ये, दूसरे ने कुछ नहीं किया है, तो जोड़ खत्म हो जाएगा ना, कॉस्मोस अपने आप करेक्शन करके देगा। आपके पास जब बिल्कुल तबाह हो जाते हो फिर पैसे पता नहीं कहां से आ जाते हैं, और जब बहुत सारे पैसे आ जाते हैं बीमारी पता नहीं कहां से आ जाती है, बहुत सारी खुशियां आती है पता नहीं कहां से पिटना आ जाता है। प्रेजेंट की सोचे फ्यूचर हो गया, तो प्रेजेंट की सोचे फ्यूचर की सोचे नहीं, प्रेजेंट की जो सोच है वो फ्यूचर बन जाता है, प्रेजेंट की सोच में ही हमारा सब मैनिफेस्ट हो रहा है, वही फ्यूचर बन रहा है, इसलिए हम कितना दिन भर में कूड़े सड़े हुए हैं, अच्छा और बुरा नहीं है, जो भी सोचे उसे ऑब्जर्व कर लें कि कॉस्मोस करेगा, प्रकृति अपने आप करके देगी, और जीवन में जो भी देना दबाना है वो प्रकृति। हाँ जी हाँ जी, सो आर यू सेइंग दैट एवरीथिंग इज अबाउट इंटेंशंस, इफ द इंटेंशंस आर राइट देन देयर इज अ करेक्शन इन कॉस्मोस। ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि सारा कुछ हमारे इंटेंशन पे डिपेंड करता है, कि अगर इंटेंशन सही है तो सब कुछ कॉस्मोस करके देगी। इस पर क्लास देखिए आप, टिक टिक घोड़ा, उसमें आप देखेंगे घोड़ा बोला है हमने, घोड़ा इज इंटेंशन, अगर घोड़े के पांव मूलाधार में फंसे हुए हैं तो आपकी इंटेंशन मूलाधार में है, जैसे आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और डर के मारे कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं और डर के मारे जा रहे हैं तो उसका फल जीरो मिलेगा, आपकी इंटेंशन कहां फंसी हुई है, आप अक्सर भगवान से भीख ही मांगते रहते हो। याद रखें सम्राट कौन है, भगवान देता है ना, दाता है। आपके मन में कितनी बार जिम में फीलिंग आई है मेरे पास ये है मैं दे सकता हूँ, आपका ईश्वर ऑन हो गया है। हम अक्सर ये कहते हैं ये नहीं दे सकते, ये मुझे अच्छा लग रहा है इसको रख लो, अभी तक भिखारी हुआ, भिखारी हो ये विचार, दाता कौन, जिस चीज के आप मालिक हो वही आप दे सकते हो, अभी तक आप उस चीज के गुलाम हो इसलिए उसको रख रहे हो, अब आप मालिक को दे सकते हो, दे दो। ये भी तो अहंकार में आ गए कि दे सकता हूं मैं, मेरे पास है। हाँ सम्राट बनो ना, हम भी दे सकते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ये कौन सा वाला अहंकार है, ये शाश्वत सत्य है कि यार मुझ में ब्रह्म है, मैं और वो अलग कहां है, तत्वमसी के गाने गाते रहते हैं हम पर वो कितने है, वो 80, मैं और वो अलग है, कॉस्मोस और मैं सेम है, हमारे अंदर से ही तो चल रहा है सब कुछ, ये जो हमारा पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम जो रिलैक्स करता है सब चीज को, हो जाएगा कब होता है, आप बीमार हो, आप परेशान हो, आप घबराए हो, एक मामा जी आते हैं पास, कहते हैं मेरे बच्चे हो जाएगा घबरा नहीं, बच्चा कहता है अच्छा मामा जी रिलैक्स हो गए, मामा जी ने अभी भी ऊर्जा दी, उसका पीएसएनएस ऑन किया है, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, उसका शरीर भी ठीक हो जाता है, वैद्य जी के पास जाते हैं, कहीं और बाबा जी के पास जाते हैं, बाबा जी ठीक कर दो, हाँ बेटा झाड़ा लगा रहा हूं ठीक कर दो, झाड़े से ठीक हो रहा है उसका, ये सिस्टम ऑन हो गया पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे ये ऑन हुआ रिलैक्स, बॉडी ठीक, गाड़ी ठीक, बिजनेस ठीक, शरीर ठीक, सब कुछ ठीक। हम चीजों को विजुअलाइजेशन देख के ठीक और गलत समझते हैं, ये चिज्जी आई तो ठीक, आप अभी तक चिज्जी में फंसे हो, जब तक आप चिज्जी में फंसे हो आप तो चिज्जी बना रहे हो मुन्ना की, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, कॉस्मोस एनर्जी के लेवल पे करेक्शन करेगा, चिज्जी अपने आप बनेगी, कॉस्मोस अभी तो भीख मांगी हुई ना, कॉस्मोस करेगा ये भीख नहीं हुई ना,
पापा को जब हम बोलते हैं ना पापा आप करोगे तो हक है, भीख नहीं है, पापा प्लीज कर दो ना, हे राम जी भीख मांग रहे हैं, ठेंगा नहीं मिलेगा। तो अधिकार के साथ अधिकार इस पे तो क्लास की हमने, पापा बिल डू कहते ना, पापा आप करके दो, पापा करते हैं, मम्मी से रोटी कैसे मांगते हैं, मम्मी रोटी दो, ऐसे मांगी आपने कभी? और रोटी आती है, रोटी आती है चल के आती है, विद लव आती है। हम पत्नी से पता कैसे रोटी मांगते हैं, देख ले भाई देगी रोटी उछाल के देगी, छलांग से देगी कि तवे पे चढ़ा के देगी, तेरी मर्जी है देख ले कैसे देगी। पहले डरे बैठे माँ से, डरे माँ से डरते हैं हम, माँ से नहीं डरते। ये है प्रेम, जहाँ डर नहीं है प्रेम है ही वहां, जहां मूलाधार है वहां मुन्ना है, वहां गुरु नहीं आ सकता, गुरु प्रेम हृदय चक्र पर। पत्नी से अक्सर बोला करो, फौजी खड़े हैं उनका प्रेम काम मर रहा है, वो क्यों मर रहे हैं बेचारे, किसी को भी बता रहा फौजियों का। पहले आप ऐसा करा करें घर जाए पत्नी से प्रेम से बोले, नहीं नहीं उसे पता है रोटी बनाना जानता है, आप पत्नी से लड़े नहीं, आप पत्नी से प्रेम से जाके बोले चल गाली पक मुझे, रिवर्स साइकोलॉजी। आप रिवर्स साइकोलॉजी आज तक यूज नहीं किया आपने उसके साथ, ये रिवर्स साइकोलॉजी यूज करो। बकवास इसी को कहते हैं, मनुष्य को पता ना चले अगला चाहता क्या है। पागल के साथ हम बिल्कुल आश्वस्त होते हैं, आपको पता है पागल के साथ और मरे हुए के साथ आश्वस्त हैं, अगर उनकी फोटो भी लगी है जिंदा भी नाच रहा है तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा सीक्रेट डील डिस्कस करने में। समझदार के साथ डर लगता है क्योंकि समझदार सारे टाइम भय चक्र पे जाता है। आप डर डर के प्रेम कर रहे हो इसीलिए प्रेम एक्चुअली कर ही नहीं रहे हो। आप बच्चों के भविष्य के लिए डर रहे हो, इनके स्कूल का क्या होगा कॉलेज का होगा, इसलिए अभी तक आप प्रेम कर ही नहीं रहे हो, ईश्वर तक आवाज ही नहीं जाएगी। कॉस्मोस को कर लेने दो, ठीक है जी, ठीक है। ऐसे में कौन सी चीज कॉस्मोस पे छोड़ देनी है, कौन सी चीज हमें खुद अपने पुरुषार्थ से करनी है? कोई पुरुषार्थ नहीं करना, सब उस पे छोड़ो, उसको एक्शन करना है। अगर वो अपने आप करवा देगा, अब घर में बैठे रहो तब तो आलसी हो जाओगे, आलसी हो जाओ अपने आप डंडा पड़ेगा देखना। ये इन्होंने बात बोली है कि घर बैठे रहो आलसी हो जाओ, ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें घर बैठ के उठा के ले गई है जिंदगी, चल साले कर। किसका कौन सा वाला? ये अमीर का बच्चा, अमीर का बच्चा, अमीर का बच्चा करे तो अच्छा, आप अमीर हो इसका मतलब। ये अमीर आप बने कैसे, बहुत गरीब है। आप बने कैसे इतने अमीर पहले ये बताओ, ऐसे नहीं आते क्वेश्चन। एक बच्चा और गोद लेना पड़ेगा आपको, पांच मिनट बाद अपने पेपर लेकर आ रहा हूँ भाई, मैं ना फूट डालू घर में, अमीरों के घर में मैं पार्टी ना करूं। अमीर का बच्चा करे तो क्या, अमीर का बच्चा करे तो ऐश। माँ बाप को कलेश होता है, हमने इतना तुम्हें करके दिया, ये ना सुने, बोले तुमने करके नहीं दिया मेरे नसीब से आया है, उल्टा ये बोले। अमीर का बच्चा लगातार ये वेव्स कमांड्स भेजे अंतरिक्ष में कि मेरी वजह से आ रहा धन, उसके पास सारी जिंदगी आएगा, वो ऐश करे। पार्टी करते रहो, आदत डाल के रखो अंदर, दादाजी को सारे टाइम लगे पार्टी चल रही है, पूरी जिंदगी पार्टी चलेगी। ऐश करो, करनी कहाँ आती है ऐश हमें, हम तो डरते हैं भाई, 10 दिन हो गए पार्टी करते हुए, अब तो डंडे पड़ेंगे फिर पड़ जाते हैं। मैंने कहा था ना मैं ज्योतिषी हूं, देख ले पड़ गए ना डंडे। जो लोग सिर्फ मौज करते हैं और उसमें बहते नहीं, उनकी सारी जिंदगी मौज चलती है। एक प्रेम ही नहीं मिला दूसरा मिल जाएगा। आपको प्रेम करना नहीं आया, आपको प्रेम करना नहीं आया, आपने दुकान पे जाके चीज चुनी, अंगूर चुने, अंगूर खराब थे खट्टे थे, इसमें अंगूर का दोष नहीं है, आपको चुनने नहीं आए। आप रोते हो मैंने तुझसे इतना प्रेम किया, तूने मुझे प्रेम पलट के नहीं दिया, आपको करना ही नहीं आया, आपको करना नहीं आया। मांगे राम जब मोना से प्यार करता है, ये मांगे राम ने मोना को प्यार किया, इसको इतना प्रेम कर दिया 100%, इसका डब्बा हो गया खाली, मांगे राम का डब्बा खाली हो गया। अब ये मोना के प्यार में दिन रात दीवाना, उसके लिए कविताएं करता है, पाठ करता है, घर के चक्कर लगाता है, मोना गाती है, ठीक है भाई मोना के स्टाइल में बताना भी तो होता है। अब मांगे राम के पास क्या बचा, खाली डब्बा। अब वो घर आके क्या करेगा, माँ बाप सबसे लड़ेगा, कलेश करेगा, दोस्तों से कुतखाना करेगा। जो कोई ऐसा लड़ता भिड़ता कलेश करता दिखे, सोच लो प्रेम लुटा के आया है, प्रेम लुटा के आया, उससे के पास उसे क्या चाहिए। आप पलट के क्या कहते हो, चुप रहे बकवास कर रहा है, गाली बक रहे हो, आपने अभी अभी डब्बे में फिर गाली भर दी, उसे प्रेम दो, उसका जैसे ही वो तार जुड़ेगा उसका प्रेम का प्याला फिर भर जाएगा, वो फिर प्रेम में चलेगा। मोना को भूल जाओ, मोना खत्म, दूसरी मोना आएगी, कोई और आएगी, नहीं तो इनके साथ बैंकॉक चले जाएंगे। ये बात आपने आंसर दिया, क्वेश्चन किया है कि अपने पास ही प्रेम नहीं होता, सामने वाले को कैसे दें? आपके पास जो है ही नहीं वो दोगे कैसे? आपके पास इतना ऑक्सीटोसिन होना चाहिए, मैंने इसकी सारी एक्सरसाइज बता रखी है, 5 तकिए ले लो, गले लगाओ, चलते फिरते गले लगते रहो, ऑक्सीटोसिन सेक्रेट होगा, आप में प्रेम भरेगा बुरी तरह, चलते फिरते प्रेम, घर जाके दीवार से चिपट जाना, ठीक है। विशाल कैसे हाँ जी,
विशाल कैसे सर ये रास्ते में किसी को लपेट लेंगे तो कोई नहीं ये तो लपेट सकते हैं ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं जीवन को विशाल कैसे बनाएं। जीवन को विशाल आप नहीं बना सकते, कृपा बना सकती है और कृपा देने वाला परम तत्व है, परमात्मा है, कॉस्मोस है, उसको दो। इस पे क्लास की हमने वेस्टेज, वो 8 गुना पलट के देता है, कॉस्मोस करेक्शन करता है। आखिरी कहानी है, मुझे बटन दबा के ऑफ कर देना, इसके बाद नहीं दूंगा, लंबी जा रही है क्लास बहुत। ये जो 8 गुना पलट के आता है ये 12% से ऊपर चला जाता है क्या? हाँ ये अनंत जाता है, क्योंकि 94% कहानी होती है हमारी फिक्स, बाकी का सारा स्पेस एलिमेंट है, एंडलेस है, वो 100 से ऊपर है। ये सुनी सुनाई कहानी है, इसको बोलने के लिए बताने के लिए। एक बार मांगेराम घर बैठा परेशान, बीवी चली गई, बच्चे चले गए, अपने अपने घर फंस गए, बरसात हो गई और उसको एलर्जी की शिकायत हो गई। अब वो परेशान हो गया, रात को 12 बजे, यार क्या मुझे शरीर में खुजली शुरू हो गई, एलर्जी बड़ी दिक्कत है यार, बताओ, बरसात का मौसम है, अभी साला आधा घंटा पहले ड्राइवर को भेजा है मैंने, अगर ये ड्राइवर ना जाता तो आधे घंटे पहले दवाई मंगा लेता। सोचा यार चला जाता हूँ यार वो श्याम जी ढाबे के पास, 24 घंटे का ढाबा है वो, उसके पास साला जरूर वो केमिस्ट खुला होगा क्योंकि लोग आते जाते हैं। अब वो वहां चला गया जी, कि नीचे उतरूं जाऊं, देखा तो घनघोर बारिश, यार साला ये एनर्जी भी अभी होनी थी यार। गया देखा एक रिक्शे वाला ठंड में ठिठुर रहा रिक्शे में, उसके पास गया, बोला यार लगता तो नहीं चलेगा तू, क्योंकि तू तो भीग जाएगा बारिश में। भाई चलेगा क्या श्याम जी ढाबे वाले केमिस्ट के पास? बोले चलो लाला जी, चलो बाबा जी, आओ जी आओ। बोले साले सर्दी में ठिठुर रहा है तू? बोले जी बुखार है, मैं करूं क्या? बोले तो जा क्यों रहा है मेरे साथ? बोले जी भूखा हूं, कई दिनों से, आप कुछ दोगे तो 10-20 रुपए की रोटी ले लूंगा। बोले यार कमाल हो गया साला, मेरा दुख तो भाड़ में गया साला, ये तो मुझसे भी दुखी है, कितनी ठंड में ठिठुर के जा रहा है रिक्शा लेके। अब रिक्शा लेके चलेगा जी ढाबे वाले के पास पहुंचा, उसने कहा साला मेरी तो एलर्जी हो ही जाएगी। उसने ला यार एलर्जी की 2 गोली दे दी, एक भाई गटकी और बोले बुखार की दे और फलानी दे और ढिमकानी दे। और साथ वाले को श्याम जी ढाबे पे गया, बोला यार एक प्लेट छोले भटूरे पैक कर पनीर वाले, वो भी पैक होगा। वापिस आया रिक्शे वाले को, बोले ये ले पानी का ग्लास, पहले दवाई ले। बोले भाऊजी, बोले खा दवाई बाद में करेंगे बात, हालात दुखी होगा यार, तेरी बीमारी मुझसे बड़ी बीमारी बन गई। उसने खाई, गए जी घर तक पहुंचे और वहां जाकर के उसको बोला ये ले लिफाफा, मैंने अंदर रखा हुआ था, छोले भटूरे खा लियो, पनीर वाले हैं। बोले भाऊजी मेरे आंसू निकल आएंगे, ये क्या कह रहे हो आप? बोले क्या हुआ? बोले मैं ये सोच रहा था भाऊजी अगर मुझे पहले 10-20 रुपए दे दे तो श्याम जी ढाबे से रोटी ले लूं, रोटी खाने का मन था, लेकिन मैं छोले भटूरे पकते देख के मुंह में पानी आ रहा था, सोचे कभी इतने भी पैसे होंगे कि छोले भटूरे खा लूंगा, और आप छोले भटूरे ले आए। मांगेराम घर गया और सन्न रह के सोचा, यार ये साला मैं इसके छोले भटूरे लेने के लिए बीमार पड़ा था, मैं इसकी दवाई कराने के लिए खुजली कराई थी। और सोचा ईश्वर तेरी माया कितनी अपरंपार है, तेरे पास सारे प्लान प्रोग्राम है, तेरी कॉस्मिक करेक्शन, जब वो हताश भरा पड़ा था और उसको मैं 20 रुपए देता रोटी खाता, लेकिन मैं छोले भटूरे 100 रुपए के खरीद लाया उसके लिए आने से। उसने किससे मांगे, उस रिक्शे वाले ने किससे मांगे? परमात्मा से। कैसे मांगे? सोच के छोड़ दिया, मांगे भी नहीं, भीख भी नहीं मांगी, सोच के छोड़ दिया। वो प्रदान करता है, तथास्तु हमें वो करता है भोला भंडारी, वो देते हैं दादाजी। हमें मांगना और छोड़ना ही नहीं आता, हमें पहले एक मूर्ति चाहिए, फिर हमें 10 रुपए के फूलमाला चाहिए, फिर टन घंटी चाहिए, नौटंकी चाहिए 15 मिनट की, फिर कहिए हे भगवान ये ले रिश्वत ले ले, अब देता है क्या कुछ? वो कहता है मैं बह रहा हूं, बोले दिखा नहीं तुझे, मैं अंधा भी हूं, इसलिए ना मुझे किसी के दुख सुनाई देते, ना दरिद्रता किसी की दिखती, ईश्वर किसी को कुछ ना देखता। कृष्ण ने खुद ही कहा है मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सबसे बड़ा नालायक हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझसे करवाने लायक बनना है तो मेरे पीछे आओ, बस ये करना हमें नहीं आता, इसलिए उस बंसी वाले के पीछे चलना सीखो। वो करके देता है, उसे नौकर रख लो, वो करेगा। आज की क्लास हम पूर्ण करें जी, बहुत लंबा खींच गया, बहुत समय लिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी जुड़ने के लिए और आप सबका। धन्यवाद जी, नमस्कार, नमस्कार जी, लव यू, लव यू, लव यू जी, लव यू, लव यू। आपने भी कुछ कहना है? Everybody, I just want to hug this young boy. Oy, oy. Who is my bachcha? He's 13. Thank you, ji. He's 13 years younger to me. English में बोल भाई, English में। और मैंने इसको पाला है समझिए। और मैं आज मुझे लग रहा है सचमुच गुरु है। ये छोटी बहन है मेरी। मैं से थोड़े साल छोटा हूँ। और मैं इतनी emotional हो रही हूँ कि मतलब। ओके, मैं रो लूँगा बहन के बदले, मैं रो लूँगा। इतने लोगों को इन्होंने बांध के बकवास कर रखी है और लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, सह रहे हैं। और ये जो बातें कह रहे हैं, मतलब इस उम्र में हम लोग बहुत
घर में सुनते हैं तो कुछ अलग असर होता है, घर में बहुत लेक्चर देते हैं, लेकिन यहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं तो मुझे लग रहा है सचमुच आज लग रहा है कि यू आर द रियल गुरु। तो जायदाद लिख दो एंड एवरीथिंग, जायदाद लिख दो यार, मैं बता रहा हूँ। एंड थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू, कि आपकी वजह से इनका जो ये वाला रूप है ना, ये हम घर वालों को भी दिखा और आ नहीं पाते अभी हम लोग, बस पैसे खत्म हो गए और नहीं दे पाऊंगा, नोएडा जा रहे हैं, दो मिनट में निकलने वाले थे बस, दो मिनट फंस गए यहाँ के, फंस गए। देखो शक्ल मिलती है हम दोनों की, देखो नाक ऐसा पकड़ा, नाक दो ही लोगों का हमारा पैदा हुआ तो कहा था कि Thank you.